जनता के आजादी के लिए लड़ने वाले लोग कांग्रेस के हैं, देश का संविधान बनाने वाले लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने हर जगह इलेक्शंस करवाए। पहले तो हमारे मां बहनों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, ब्रिटिश के जमाने में भी। ब्रिटिश के जमाने में कौन वोट डालते थे? बड़े बड़े जमींदार, साहूकार, इनकम टैक्स देने वाले, वो लोग ही वोट करते थे। लेकिन देश का संविधान जब जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर मिलकर उन्होंने कहा गरीब से गरीब आदमी को वोटिंग का अधिकार है और अमीर को भी वोटिंग का अधिकार है, वो दोनों वोट बराबर है, उसकी कीमत बराबर है। ये जो हमने क्रांति लाई, आज आप देख रहे हर जगह कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है। ये किसका देन है? ये कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी जी ने जिला पंचायत, तालुका पंचायत सब में उन्होंने हिस्सा दिया। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, जो पार्टी आपके लिए लड़ती है, आपके हकूक के लिए लड़ती है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ती है, संविधान बचाने के लिए लड़ती है, उसको आप मदद करो। ये केसीआर सब टाइम, अब मैंने किसी जगह बोला कि अरे भाई तेलंगाना किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, सोनिया गांधी ने दिया। और उसका तो महीना तो कांग्रेस वाले किए, सोनिया गांधी ने की, तो आज फायदा कौन खा रहे हैं? आज बीआरएस ये कहती है कि हमने बहुत कुछ किया। अरे बाबा तुमने क्या कहते? अगर हम तुमको ये देते नहीं तो तुम मुख्यमंत्री नहीं बनते थे, और मुख्यमंत्री बने हमारे वजह से बने। और वो आज आपने जो लोगों को आज जो मदद करना चाहिए वो मदद नहीं, हर जगह घोटाला। वो कौन सा एक बहुत बड़ा डैम, कालेश्वरम डैम, उसमें घोटाला, चावल में घोटाला, खाने पीने में घोटाला, हर जगह घोटाला। घोटाला करते करते आज ये लोग फिर आ रहे हैं, नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। और वो गालियां किनको देते हैं? जिनसे उनको फायदा मिला उस कांग्रेस पार्टी को देते हैं, वो राहुल गांधी को देते हैं, सोनिया गांधी को देते हैं, हमको देते हैं। अरे भाई मेहनत, उसीलिए मैं बोला एक जगह, मेहनत करे मुर्गी साहब, अंडा खाए फकीर साहब। ये हम मेहनत कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं किया हूं, मैं किया। तुम क्या किए भाई? तुम कुछ नहीं, सिर्फ देश, ये हमारे तेलंगाना के ऊपर कर्जा रखे। कितना कर्जा रखे? पहले तो फायदे में था, तेलंगाना के ऊपर कर्जा नहीं था, एक पाई का कर्जा नहीं था, खुशहाली थी, कभी किसके नीचे झुकने का नहीं था। लेकिन ये आए साहब, ये साहब आने के बाद आज तेलंगाना के ऊपर 5 लाख करोड़, ठीक है, 5 लाख करोड़ कर्जा है, 5 लाख करोड़ कर्जा तुम्हारे ऊपर है, तुमको देना है। वो तो जाएंगे, खर्च करेंगे, जाएंगे। तो ये जो है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है।
तो आप लोग कांग्रेस के पीछे ठहरो। रेवंत रेड्डी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं और हमारे और हमारे कैंडिडेट जो है रोहित राव और राजीव रेड्डी कैंडिडेट, ये जो है हमारे हाथ के निशाने पे।